ठीक है। ओके सो गाइज एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियोज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। टेंस का सीरीज चल रहा है, ये डे सेकेंड है गाइज। इस बैच में अगर कोई घोड़े पे सवार है, जल्दी भागने वाला है तो जा सकता है। इस बैच में तो कूल इत्मीनान से चलेंगे, ठीक है? यस सर, चलेंगे, यस सर। शुरू करते हैं। हियर वी गो। कल हमने डू सीख लिया था और हम शायद डब्ल्यू एच पर थे। फाइन गाइस, आई इज इट विजिबल टू यू? ये दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर, या सो गाइस, या गाइस, हम कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं कि हम इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हैं। वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशन एवरी वन, सी दे आर टू पीपल, दो लोग आपस में बातें करते हैं। बाकी लोग ऑडियो ऑफ रखिए प्लीज। मान लीजिए कि ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा समझाया था कि जो बंदा सवाल करता है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ओके, जो आपको सुन के आपको रिस्पॉन्ड करता है वो कौन सा पर्सन है जी? सेकेंड पर्सन। तो हमने देखा कि जब फर्स्ट पर्सन यानी कि ये बंदा जो खुद को इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई बोलेगा, और ये सामने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेगा, यू बोलेगा। जब ये यू से सवाल करेगा कि भाई क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो, क्या तुम रोज दूध पीते हो, इट मीन्स कि रूटीन आप करते हो कि नहीं करते हो, अगर ये जानना है तो अंग्रेजों का सबसे बेहतरीन हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है जी? डू है। हम डू लगाएंगे। इस डू का हिंदी क्या है, मतलब क्या है, डजंट मैटर। हमको बस ऐसे सोचना है कि अगर डेली रूटीन की एक भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, हाँ या ना उगलवाना है, तो भैया डू लगेगा। जैसे अगर मुझे ऑडियो सारे लोग ऑफ कीजिए प्लीज, ठीक है, ऑडियो ऑफ कीजिए। अगर मुझे ये पूछना है, अच्छा यार एक बात बताओ, क्या तुम चाय पीते हो भाई, तो फिर आर वार नहीं चलेगा, सीधा डू चलेगा कि भाई डू यू टेक टी और नॉट, सीधा डू से काम होगा। अगर मुझे बोलना है कि अच्छा एक बात बता यार, उसको पसंद करता है क्या, जिस सामने कोई लड़की उसको पसंद करता है, तो मैं आर यू बोलूंगा या डू यू बोलूंगा? सोचो, डू यू, यार डू यू लाइक दैट गर्ल, डू यू लाइक दैट गर्ल, इस तरीके से हम सवाल करेंगे। उसका जवाब क्या है हम वो भी कल देख चुके हैं। वो बोलेगा यस आई लाइक दैट गर्ल या नो आई डोंट लाइक दैट गर्ल। कॉमन सेंस है कि डू का नेगेटिव डोंट होगा। ओके, लाइक दैट, अरे लाइक दैट गर्ल, आई डोंट लाइक दैट गर्ल, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता, समझे? अब गाइस हम डब्ल्यू एच पे तो काम कर ही रहे थे, लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं डब्ल्यू एच के साथ, बंद करो ना बुआ, ए बाबू आजाद, पहला ऑडियो ऑन किए हुए, बंद कीजिए। देखिए आज हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, इट्स वेरी सीरियस मैटर, आपको देखना पड़ेगा आज। मान लीजिए हेयर देर इज अ गर्ल, वेरी ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस, स्टैचुअस गर्ल। ये लड़की बात कर रही है अपने किसी दोस्त से, मान लो एक जापानी से बात कर रही है, सुमित, सुमित फ्रॉम जापान। ओके, तो ये एक जापानी लड़के से बात कर रही है रात को 10 बजे इंडियन टाइम, 7:30 वड़े वन, ऑफ कीजिए ना ऑडियो प्लीज, शोर आ रहा है, बात समझिए, पन्ना पलट रहे, शोर आ रहा है। ये है फर्स्ट पर्सन, ये लड़का कौन है जी? सेकंड पर्सन। जब ये लड़की सिर्फ इस लड़के के बारे में पूछेगी, क्या तुम सोते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम क्या करते हो, तुम कितने बजे उठते हो, चाय पीते हो कि नहीं, मुझे पसंद करते हो कि नहीं, सब में डू 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 होगा। लेकिन अब ये लड़की इसी लड़के से पूछेगी, लेकिन अब लड़के के बारे में नहीं पूछेगी, अब ये पूछ रही है किसी और के बारे में। मान लो कि यहाँ पर एक और लड़की है और ये लड़की अकेली है, तो जब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये लड़की क्या हो गई? थर्ड हो गई, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में ये इकलौती है, अकेली है, तो क्या हो गई? सिंगुलर। क्या बोलेंगे इसको? सिंगुलर। अब इस ग्रामर के नाम में क्या रखा है? सिंगुलर अगर इतना बड़ा बोलने को नहीं मिलता है, तो एक तो याद रख सकते हैं, भाई लड़की एक है जी, अगर कोई बंदा एक हो भैया, थर्ड पर्सन हो, अकेला होना चाहिए। तो आज जो हम करेंगे कॉन्वर्सेशन, बातें करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर्सन, लेकिन अब एक दूसरे के बारे में बातें नहीं होंगी, अब किसके बारे में होंगी जी? थर्ड पर्सन के बारे में। वो थर्ड पर्सन एक होगा कि दो होगा? एक होगा।
अगर वो दो, अगर वो दो होगा तो हम डू लगाएंगे, पता है ना। यस आज हम एक की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, कॉन्वर्सेशन टोक दिया ना, नहीं बुआ, अडू 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 टॉक। पहले सुन लो, पूरा लेक्चर सुनो, बीच में तुमने ये सब पूछो मत। कॉन्वर्सेशन अबाउट थर्ड पर्सन, ऊपर से कौन है वो, सिंगुलर है, इकलौता है। तो आपको पता है कि जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, और दूसरा क्या होता है, हाउ टू रिप्लाई। रिप्लाई, सवाल जब हम पूछते हैं, जब भी हम सवाल करेंगे, अगर मैं आ जाऊं हाउ टू आस्क क्वेश्चन में, तो इसमें भी दो तरीके हैं। पहला है यस या नो क्वेश्चन, यानी कि हम सिर्फ उगलवाना चाहते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये टेंस जानते हैं आप सारे लोग हैं, बट फिर भी ना इत्मीनान से पढ़ते हैं, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसने एक सवाल पूछा सेकेंड पर्सन से। देखिए अभी कोई आ रहा है, बुलाते हैं। फाइन, इसने सवाल पूछा सेकेंड पर्सन से, और किसके बारे में पूछा, थर्ड पर्सन के बारे में पूछा। फिर से लिख दूं, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। तो जैसे इसने सवाल पूछा कि यार एक बात बता, क्या वो लड़की रोज तुझसे मिलती है, क्या वो लड़की रोज तुझसे मिलती है, ये सवाल है। तो यानी कि यस या नो सवाल है, मिलती है कि नहीं मिलती, हाँ या ना बता दे। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब जो अंग्रेजी का वर्ड आएगा कौन सा आएगा जी, डस। डस आएगा, डस के बाद ये जितने भी थर्ड पर्सन है उनका यहां पर जिक्र करो आप। डस के बाद अगर वो कोई लड़की है तो आप उसको क्या बोलोगे, शी। कोई लड़का है तो क्या बोलोगे, ही। ओके, अगर कोई निर्जीव आइटम है तो क्या करोगे, इट। ओके, अगर उसका नाम ही लेना है, रानी ज्योति मोनी, तो क्या कर दोगे, नाम ले लोगे। ओके सर, अगर वो थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन आपका कुछ लगता है तो आप माई लगाकर उसका इंट्रोडक्शन करोगे ना, माई लगाओगे, और माई के बाद यहां पर बताओगे ना कि माई सन, माई डॉटर। तो जो यहां आइटम लगाओगे, आइटम कौन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर वो बंदा, मतलब ऐसे देखो, जैसे ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सवाल कर रहा है, और ये जो थर्ड पर्सन है, मान लो ये जो सामने जो है ना सेकंड पर्सन, अगर इसकी ये बहन हो, इसकी ये चाची हो, इसकी माँ हो, तो फिर ये बोलेगा ना कि क्या तेरी मम्मी, ऐसा बोलेगा ना सवाल में। तो अगर तेरी मम्मी बोलेगा तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, योर बोलना पड़ेगा पहले, है ना। तो इस योर के, भाई आप लोग के इधर शोर कितना है, आप लोग क्या कोई मटका फोड़ते हैं, क्या करते हैं क्लास में ना, दरवाजा कुंडी लगाइए, सब फैमिली मेंबर को बाहर भेजिए, इट्स अ सीरियस मैटर यार, इट्स नॉट अ जोक। अब पैसा दे रहे, टाइम दे रहे, क्या कर रहे हैं आप। योर, योर के बाद जो भी बंदा होगा वो कौन होगा जी, सिंगुलर होगा, बार बार सिंगुलर लिख रहा हूँ। अगर दो बेटे होंगे, दो बेटियां, दो बहनें होंगी, तो डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। क्लियर है ना, ये याद रखिएगा। यस सर, ठीक है। तो योर लगा सकते हैं, मैं बोलूँ यार क्या, मैं ऐसे भी बोलूँ, अच्छा एक बात बता यार कि क्या उसकी बेटी कॉलेज जाती है, तो उसकी बेटी। अगर वो किसी लड़की की बेटी है तो हर लगाना पड़ेगा, हर, हर के बाद सिंगुलर राइटर। अगर किसी लड़के की बेटी है तो हिज लगाना होगा, हिज के बाद सिंगुलर, सिंगुलर राइटर। इस तरीके से मैं बोलूँ कि अच्छा क्या उनकी बेटी, वहाँ दो तीन लोग खड़े हैं, मान लो पति पत्नी खड़े हैं, दो लोग हैं, मैं बोलूँ अच्छा एक बात बता, क्या उनके, उनकी बेटी कॉलेज जाती है, बेटी एक है, वो दो है, चलेगा, बेटी एक होनी चाहिए। देयर लगाओ, सिंगुलर लगा दो। कई बार हम कहते हैं अच्छा एक बात बता, जैसे हम दो है, हम पति पत्नी, हम बोले कि अच्छा एक बात बताओ यार, क्या हमारा मुन्ना तुमको परेशान करता है, तो क्या होगा, आवर। और आवर के बाद जो मुन्ना है वो मुन्ना हो, साथ में ढक्कन नहीं हो, ठीक है, तो सिंगुलर। आपको पता है बिहार में मुन्ना मतलब ढक्कन होता है। ओके, शीशी का मुन्ना होता है, क्या बोल रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड।
फाइन गैस, चलिए सीरियस मुद्दे पर आ जाते हैं, बात करते हैं। इनको मैं डिलीट कर दूं। ओके तो यहां पर मैंने क्या देखा कि हम माई से भी थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अगर वो मेरा कुछ लगता है। अगर आपका कुछ लगता है तो मैं योर करके उसकी तरफ इशारा करूंगा ना, योर फादर योर ब्रदर। अगर वो किसी लड़की का कुछ लगता है तो मैं हर करके इशारा करूंगा। ओके अगर वो किसी लड़के का कुछ लगता है तो मैं हिज करके इशारा करूंगा। अगर उन लोगों का कुछ लगता है तो देयर करके इशारा करेंगे। अगर हम सबका कुछ लगता है तो आवर करके इशारा करेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि मैंने मान लो ऐसे बोला कि अच्छा एक बात बता यार कि क्या तेरे पापा का दोस्त तुझसे मिलता है, तो फिर एक और ड्रामा है, योर भी लगाओ फादर भी लगाओ और एपोस्ट्रॉफी भी लगाओ, एपोस्ट्रॉफी भी लगाओ, योर फादर्स और उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर दिखाओ, सिंगुलर दिखाओ। मतलब सीख रहे हो तो फुर्से सीखो। जैसे मुझे बोलना है कि अच्छा एक बात बता यार, क्या बनेगा सर, आएंगे ना एग्जाम्पल वह करेंगे, अब रुके ना, अभी तो ऐसे ही हो रहा है, सब्जेक्ट है गाइस। अगर ऐसा बोलना है कि क्या क्या सोनू का भाई, तो फिर मुझे सोनू भी लगाना होगा और एपोस्ट्रॉफी भी लगाना होगा, एस सोनू, फिर यहां पर मुझे कोई सिंगुलर दिखाना होगा, तो ये स्टाइल भी चलेगा। ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी जी, फर्स्ट रहेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, हो गया जी फॉर्मूला। मैंने इसलिए इतना खोल के बताया है क्योंकि किताब में आप पढ़ेंगे ना तो ही शी इट और बस इतना ही रहता है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए मैंने आपको खोल के दिखाया है। सर इसको हेडलाइन लिख दी सर, इसकी क्या करते डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट कर दें। अच्छा ये रहा ना, ठीक है। अब गाइस हम एग्जांपल्स करेंगे। बोलिए सर, पेरेंट्स में, पेरेंट्स में पेरेंट्स आएगा तो योर पेरेंट्स, डू लगाना पड़ेगा, पेरेंट्स तो ज्यादा है, माता पे दो है, डू लगाना पड़ेगा, डज नहीं कर सकते। वो कल आपने सीखा होगा, कल आपने प्लूरल सीखा होगा ना, कल पक्का सीखा होगा प्लूरल, देख लेना कल का वीडियो। पेरेंट्स में आपको डू लगाना पड़ेगा, डज नहीं कर सकते। अब मुझे बोलना है सर, पहले तो नॉर्मल है कि क्या वो लड़की, इशारा करना है, मैं इधर इशारा वाला लिखा, मैंने नहीं लिखा ना, एक इशारा वाला लिख दूं, ऐसे कर देते हैं। अगर मुझे इशारा करना हो, नजदीक में कोई है तो मैं क्या करूंगा, दिस बोलूंगा और दिस के बाद कोई भी सिंगुलर दिखा दूंगा। अगर दूर है तो मैं क्या बोलूंगा, दैट बोलूंगा और दैट के बाद सिंगुलर दिखा दूंगा, सिंगुलर। जैसे कि ओए क्या ये लड़की, तो ऐसे करके दिस की तरफ, और क्या वो लड़की, तो दैट। अब that सवाल में आते हैं। अब मेरा सवाल है कि क्या वह लड़की जो दूर है, क्या वह लड़की तुमसे मिलती है, हम बोलेंगे डज। अब क्या बोलेंगे, दैट इशारा, दैट गर्ल मीट यू, दैट दैट गर्ल मीट यू, ये है प्रॉपर एक सवाल। ओके एक्चुअली डोंट मेक अ नॉइज ऑल द टाइम आई टेल यू, डोंट मेक अ नॉइज। अब इसका जवाब कैसे होगा, या तो हाँ होगा या ना होगा, तो यस दैट गर्ल को आप चाहे तो पूरा दैट गर्ल बोल सकते हैं, चाहे तो आप शी बोल सकते हैं, यस दैट गर्ल। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, मीट का आपको क्या करना है, मीट्स मीट्स, यानी कि इसका अगर मैं रूल लिखूं, एक मिनट गाइस, अरे भाई काहे फोन कर रहा है कोई, ओके मैं चाय पीता हूँ, दिख रहा हूँ क्या, फाइन गाइस। तो इसका जो मैं रूल लिखूंगा तो यस होगा, यस के बाद सब्जेक्ट होगा, ओके सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा ना, उस वर्ब में स्पेलिंग को देखते हुए या तो कभी लगेगा एस, ध्यान से सुनना, या लग जाएगा yes. प्लस हिंदी क्या होगी सर इसकी, इसकी हिंदी कुछ नहीं होगी। ओके जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डज दैट गर्ल मीट यू, इसका मतलब है कि क्या वह लड़की तुमसे मिलती है, आंसर है कि यस दैट गर्ल मीट्स मी, हाँ वो लड़की मुझसे मिलती है। सवाल में एस या ई एस नहीं है, लेकिन जवाब में, पॉजिटिव जवाब में एस या ई एस है और एकदम होगा ही। अगर आपने ऐसा बोल दिया गलती से, यस दैट गर्ल मीट मी, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, ये गलत है, और इसका आपको बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो आपकी पूरी इंसल्ट तो हो ही जाएगी। जैसे एक और सवाल,
मैं बोलूँ कि क्या आपकी मम्मी चाय बनाती हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? आपने बोला हाँ जी हाँ बनाती है, यस माई मदर मेक्स टी। सर्दी जुकाम हो गया दोस्तों। यस माई मदर मेक्स टी। अब ये जो एस या एस आप लगा रहे हैं ना, इसके इसमें ख्याल रखना है, हमेशा एस लगेगा, लेकिन किसी किसी स्पेलिंग का ध्यान रखना। अगर ओ आ जाए, जो वर्ब है ना, अगर ओ आ जाए तो ओ में आपको क्या लगा देना है, ओ प्लस ई एस कर देना है। जैसे कि मान लो कि गो है, तो गो में हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। तो मैं वो बता रहा हूँ कि ई एस कहाँ कहाँ लगेगा। वैसे तो एस लगेगा, बट ई एस कहाँ कहाँ लगेगा, ओ ओ पे ख्याल रखना है। और क्या हो सकता है, एस एच चाहिए। अगर एस एच पे खत्म, आप ई एस लगा देना। जैसे कि कोई वर्ड है एस एच वाला, कोई वर्ड है क्या, वॉश करते हैं, वॉश वॉश करते हैं, तो वॉश में हम कर देंगे ई एस, तो क्या बन जाएगा, वॉशेस बन जाएगा। और देखते हैं डबल एस लगा के देखें, डबल एस ई एस। जैसे प्रेस करें, प्रेस प्रेस में तो सही, तो प्रेस में आप लगा दो प्लीज, तो क्या हो जाएगा, प्रेसेस हो जाएगा। प्रेस हो, इम्प्रेस हो, अब ये वर्ड आप देख लेना, आज ना कल तो मिल ही जाएगा आपका ये वर्ड। प्ले भी है ना सर, प्ले अभी मैं कह रहा हूँ कि जिसमें लग, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, प्ले में नहीं लगता है। और क्या हो सकता है, सी एच करके देखें, सी एच में अगर ई एस लगा, जैसे ब्रांचेस, हाँ देखते हैं, मैं वर्ब चाह रहा हूँ, मैं नाउन नहीं चाह रहा हूँ, वर्ब। जैसे कि टीच, लास्ट में सी एच आ रहा है, तो अगर मुझे बोलना है कि वो मुझे पढ़ाती है, तो शी टीचेस, समझ रहे हो ना, ई एस लग जाएगा, टीचेस हो जाएगा। ऐसा कोई वर्ब ढूंढो, और कोई है, चेस, टैक्स, ऐसा हो जो वर्ब हो, लास्ट में एक्स वाला, देखे एक्स वाला, एक्स अगर आएगा तो एक्स के बगल, लाइक वैक्स, हाँ वैक्स भी अच्छा, वैक्स मतलब तो छेड़ना है, छेड़छाड़ करना, तो वैक्स में हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वैक्सेस, ओके। और कुछ हो सकता है, जेड से कुछ है, जेड का कुछ है, जेब्रा सर, जेड से जेब्रा, मैं जेब्रा तो एक चीज नाम है, मैं वर्ब की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं, जो याद आ रहा है लिखते हैं, टैक्स सर, टैक्स, टैक्स अगर वर्ब के रूप में हो तो टैक्सेस, हाँ ये एक्स वाला कर दिया ना, एक्स वाले जितना होगा उसमें ई एस लगा देना, ये लास्ट में आपको देखना है, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होगा, जैसे कोई वर्ड आ जाए, जैसे स्टडी आ जाए, तो आपको पता है ये कैसे बदलेगा, ये ऐसे हो जाएगा, आई ई एस में बदल जाएगा, समझ रहे हो, स्टडी। जैसे कि अगर आ जाए वरी, तो वरी किस में बदल जाएगा, आई ई एस लगाना होगा, कैसे होगा, वरीज, यानी कि अगर हमें वाई को हटा देना है, देख रहे हो, वाई को हटा के क्या कर देना है, आई ई एस में हाईलाइट कर देना, आई ई एस, पास है सर, पास। तो सर जितने भी वाई वाले आएंगे सर, उसमें यही होगा, वाई के बगल में ऐसा होना चाहिए, जो वाई है ना, जो वाई के बगल में यहाँ पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मैं इतने ग्रामर में मत फंसो, अगर कोई लिस्ट होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, रट लेना, दो चार ही होते हैं, इतना फंसोगे कि वाई के बगल में कॉन्सोनेंट होगा तो आई एस लगेगा, वॉवेल होगा तो एस लगेगा, और मर जाओगे, इतना कौन देखता है सर, एक पास है, पास, हाँ तो पास का पासेज हो गया ना, डबल एस वाला कर तो दिया, डबल एस वाला, फाइन गाइस, ये वो इतने गिने चुने मिलेंगे, आदत हो जाएगी। अच्छा, ऐसे जो लोग, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लिखना नहीं आता लेकिन अंग्रेजी बोलने का शौक है, वो कहेंगे सर हम कैसे एस एस लगाएंगे, तो आपको एस या एस नहीं लगाना है, आपको साउंड निकालना है, ऐसे साउंड निकालना है, जैसे गोज, स्पीक्स, कम्स, तो साउंड तो निकाल ही सकता, अमन साउंड तो निकाल ही सकता है, जैसे अच्छा हाँ, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस, 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 ओके, बाकी तो आपको आदत हो जाएगी। चलिए गाइस, अब आते हैं मुद्दे पर, सर जेड, जेड के बाद में ईएस लगता है, कैसे, कोई वर्ड है, बुज, 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 हाँ, हाँ तो ईएस लगा दो, वही मैं जेड वाला ढूंढ ही रहा था, मैं लिख दो कहीं पर, यहाँ पर बी यू डबल जेड, तो जेड आ जाएगा,
तो आप लगा दो ई एस लगा दो, जैसे कि अगर बूज है ये ना, बी डबल ओ जेड ना, बूज की स्पेलिंग गलत, बी यू डबल जेड, डबल जेड है बूज नहीं, बी यू डबल, बी यू डबल जेड नहीं, मुझे लग रहा है कि जेड के बाद ई भी आएगा है बूज, हाँ अब सही है, अगर देखो पहले से ई है तब तो अलग से एसी लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, एक बार जेड वाला देख लेना अगर मिल जाए तो। अरे बूज का मतलब शराब वराब पीना होता है, बूज छोड़िए, बूजर, बूजर नहीं होते दारूबाज, बूजर, यस सर। चलिए मुद्दे पर आते हैं गाइस, ये तो आपको पता चली जाए, इतनी तो आदत हो जाएगी लिखते हुए, आदत हो जाएगी बोलते हुए, मैं तो साउंड निकालना है क्या मतलब ऐसे ऐसे, तो क्लियर होकर हो रहा है ना आपको, अगर आपको बोलना है साउंड पे ध्यान देना है, क्या मतलब है कि ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है, लिखने में आपको मतलब है, स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, गलत लिख देंगे। अब गाइज अगर वो जवाब नेगेटिव में दे, जवाब अगर वो नेगेटिव में दे कि ना जी ना वो लड़की तो मुझसे नहीं मिलती है, तो यानी कि सबसे पहले तो नो बोलना पड़ेगा, नो के बाद, नो के बाद सब्जेक्ट, अगर कोई डज से सवाल कर रहा है तो आपको डज में ही नॉट लगाना पड़ेगा ना, तो डज नॉट को शॉर्ट में क्या कहते हैं जी, doesn't. आपको doesn't बोलना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जब आप अभी comes, goes ये जो कर रहे थे ना वो सब खत्म, सीधा नॉर्मल हो जाओ जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर किसी ने सवाल पूछा कि ओए क्या वो तुझसे मिलती है, does she meet you, अब आपने बोला ना यार नहीं मिलती, नो शी डजंट, अगर आपकी जुबान में जुबान से गलती हो गई कि शी भी बोल दिया आपने और डजंट भी बोल दिया और मीट्स भी बोल दिया, ये हो जाएगा गलत जी, रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नेगेटिव में सर एस या ई एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आज एकदम, देख लीजिए क्योंकि रिवर्स गियर हम लेंगे नहीं, देख लीजिए ये जैसे कंप्लीट होगा ना ये, इसके बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी, आपको क्या लगता है कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ना जी ना ऐसा नहीं होता है, आप स्पोकन कर रहे हैं, आप कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहे, स्पोकन इंग्लिश है, इसमें आपको बोलना पड़ेगा खतरनाक वाली अंग्रेजी, ओके तो ये हो गया, अब हम इस पर बातें शुरू करते हैं। हेलो एक बार, हाँ जी बोलिए, रूटीन वालों में ही पूछना है डूडल्स का क्वेश्चन या किसी में भी पूछ सकते हैं, सिर्फ लाइफ की रूटीन के बारे में कि वो कुछ भी, वो आता है खाता है जाता है जो भी लाइफ में होता है, इस वक्त करंट में कुछ नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल दिया था अभी सर, जैसे कि तुम उस लड़की को चाहते हो, सर ये रूटीन में कैसे होगा? बताता हूँ मैं, कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जिनको आप स्टेटिव वर्ब कहते हो, कि अब पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, जैसे लव हो गया, नहीं सुना है, लाइक हो गया, कुछ कई लोगों ने सुना होगा, स्टेटिव वर्ब सुना है कोई, स्टेटिव वर्ब सर, यस सर, जैसे ये नो हो गया, तो ये है ना परसेप्शन, हाँ जी, तो ये देखने में तो एक्शन लगते हैं लेकिन ये कुछ होता हुआ नहीं दिखता है, एक एक मेंटल स्टेट है, जैसे मैं किसी को प्यार करता हूँ तो ये मेरे लाइफ का हिस्सा है, जैसे हमारी रूटीन भी लाइफ का हिस्सा होता है ना, डेली रूटीन कि मैं चाय बनाता हूँ तो बनाता हूँ, उसी तरीके से मैं प्यार करता हूँ तो करता हूँ जी, दिस इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ, प्यार करना, पसंद करता हूँ तो करता हूँ, तो इसका इसका कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप इसको झुटलाएंगे नहीं, उसी में हेलो, हाँ जी बोलो बोलो सर, प्यार करना तो वैसे भी फैक्ट में आ जाता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मैं आपको थोड़ा ग्रामर के हिसाब से पढ़ाता तो पता है मैं क्या लिखता वहाँ पर, मैं वहाँ पर लिखता हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, आप खुश हो जाते, यूनिवर्सल ट्रूथ लिख देता, रूटीन लिख देता, ठीक है, आप जितने आप जितनी अंग्रेजी बोलते हो ना, आप जो भी लाइफ में करते हो वो आप ज़्यादा बोलते हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की सूरज पूर्व में उगता है कितनी बार बोलते हो, कितनी बार बोलते हो, तो आप नहीं, फिर भी सर ये अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो ये भी ठीक ही है एक तरीके से, लव यूनिवर्सल का मतलब क्या सेंटेंस था, हाँ प्यार, आप इतना रट लो ना कि यार प्यार करना, किसी को पसंद करना, किसी को जानना, ये सारा जो कैटेगरी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप ये कभी बोल ही नहीं सकते हो कि मैं उसको जान रहा हूं, आई एम नोइंग, ये होता ही नहीं है, आपके कहने से नहीं हो जाएगा, जैसे कि आपको बोलना है कि मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझता हूँ तो समझता हूँ, नहीं समझता हूँ नहीं समझ रहा हूँ, आप बोलोगे ना कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो आप बोलने को तो बोल दोगे, लेकिन अगर कोई ग्रामर का एग्जाम हो रहा होता ना, एसएससी यूपीएससी का एग्जाम होता, आईएलटीएस का एग्जाम होता, कट जाता नंबर,
तो इस पे हम चर्चा करेंगे जिस दिन हम स्टेटिव वर्ब पढ़ेंगे ना, सब चर्चा हो जाएगा। आगे बढ़े थोड़ा, समझे? ठीक है, यस सर, यस सर। अभी सब दिमाग ना लगाए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट को भाई मैं फिर से समझा दूं एक बार, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं आप समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ एक ही है कि ये आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में जो जो एक्टिविटीज करते हो, चाहे साल में करो, महीने में करो, रोज करो, आप हफ्ते में करो या कभी कभी करो, अभी कर नहीं रहे हो, आपने पास्ट में किया नहीं, आपके लाइफ का हिस्सा है। अगर चाय पीते हो तो पीते हो, चाहे महीने में एक बार पियो या साल में पियो। भाई मैं तो पीता हूँ, अगर कोई दारू पीता है अब मैं उसे बोलूँगा भाई तू दारू पीता है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ताते थी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि भाई दारू तेरे लाइफ का हिस्सा है या नहीं है, ये जो दारू पीना है इज इट पार्ट ऑफ योर लाइफ और नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना अगर सिचुएशन समझ में आ रहा है तभी आप समझो, ताते थी के चक्कर में मत रहो। क्लियर है जी? ठीक है, यस सर। तो अब अगर मुझे उगलवाना है कि अच्छा एक बात बता यार, क्या तेरे पापा, अब उसके पापा के बारे में सवाल है कि क्या तेरे पापा तेरी मम्मी के लिए चाय बनाते हैं, तो सवाल कैसे होगा? फॉर योर मदर। अब जवाब क्या होगा जी? कि हाँ जी बनाते हैं। Yes, my father. अगर नहीं बनाते तो नो मदर, नो नो माई मदर। समझ रहे गाइस? अपना हेडफोन दे दो यार। चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब थोड़ा बहुत आपसे पूछ लेते हैं। सर सर, हाँ बोलिए ना गाइस। क्या कह रहे हैं फिर से बोलो। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि ये तो जरूरी नहीं है ना कि उसकी मम्मी उसे चाय बना ही रही होगी। नहीं नहीं, सिर्फ इतना सवाल पूछा है कि तुम्हारे पापा मम्मी के लिए चाय बनाते कि नहीं, था ना सवाल? यस सर। सॉरी गाइस, सर्दी जुकाम हो गया जी। हाँ जी, दो लोग आ जाइए जी मैदान में, आ जाओ जी। बॉय फ्रॉम जापान एंड कुड़ी फ्रॉम पंजाब, आ जाओ जी। यस आई एम हियर। तो सिमरन, सुमित से कुछ ऐसा पूछो इसमें डू भी आ जाए, डस भी आ जाए, डेली लाइफ डू डस, कभी डू से पूछ लो, कुछ डस से पूछ लो। सुमित, यू कैन शो योरसेल्फ, यू कैन शो योरसेल्फ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, खुद को दिखाओ। वेट 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 वेट, क्या है? कभी जवान भी दिखा देना। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो पूछो जी सिमरन, पूछो रूटीन के बारे में। या मैम, डू यू गो टू पार्क? Yeah, I'm go to park daily. M नहीं आएगा। When? एक मिनट। Sorry, sorry. गलती देख रहे हो? I go to park daily. When do you go to park? Actually, I like my body exercise. No. When do you go to park? Ah, sorry for that. Actually, around 6 o'clock. पूरा बोलो। With whom? I go to park at 6 o'clock. पूरा बोलो। I go to park at 6 o'clock. Around 6 o'clock. With whom do you go to park? Correct. Sorry for that. With whom do you go to park? No. I go to park alone. Okay. अच्छा एक मिनट. सुमित, अब एक ही बार में सवाल को सुनना है। सॉरी बार बार नहीं बोलना है। पता है ये आदत अगर लग गई तो बहुत खराब आदत है। एक बार में सुनो। सिमरन। Do you make tea for yourself? Yeah, I make a tea. Myself. गलती देख रहे हो? और टी कह रहे हैं, और टी होता है क्या? एक एक मिस्टेक पे ध्यान दीजिए। आई मेक टी फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए बनाता हूँ। डज योर मदर मेक टी फॉर योर फैमिली? या समटाइम माय मदर मेक टी। मेक्स टी फॉर माई फैमिली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे होगा? ठीक है सुमित, आप पूछो, अटैक करो। दो तीन सवाल। आप
मिक्स पूछ सकते हो, नाम वाम से लेके पूछ सकते हो, फुल पूछ सकते हो. आपका फर्स्ट डे है ना. सिमरन. यस. या सिमरन, डू यू लाइक आइसक्रीम? यस, आई लाइक आइसक्रीम. व्हाई डू यू लाइक आइसक्रीम? बिकॉज़ आइसक्रीम वेरी स्वीट, वेरी स्वीट. ओके. डज योर फादर लाइक डॉगी? नो, माय फादर डजंट लाइक डॉगी. व्हाई? Why your father doesn't like doggy? Because doggy is a very trustful animal. Faithful. The dog is very dangerous. My father. एक सवाल इन्होंने जो पूछा है, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं? इन्होंने बोला why your father doesn't. Why doesn't your father होना चाहिए? अभी क्यों होगा? अभी हम करेंगे discuss. Yes sir, why doesn't? Yeah. The dog is very dangerous. That's why my father doesn't like dogs. Okay. Which type of color do you like? I like black and yellow color. Okay. Why do you like yellow color? Because of when I wear yellow color, I am very beautiful. I look very beautiful. I look very beautiful. That's why my favorite color is yellow. Do you like cricket? No, I don't like cricket. Sumit, why are you wearing yellow color today? If you sir, my body color is black, so I am wearing a yellow color. Why? Wow. ये पहला लड़का है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहता है द फैक्ट है तो कहता है. अरे तुम्हारी बॉडी कलर काला नहीं है, तुमने लाइट अपने ऊपर नहीं मारा है. लाइट लगाओ ऐसे सामने. लाइट है सर, वो देखो ऊपर टांगे हुए है. हां फाइन सर. हां सिमरन मैम. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक एग? अजय बहुत शोर. Do you like veg and non-vegetarian? Non-veg. Or bowling. Or non-veg. I like only veg. I am vegetarian. ठीक है, guys, दो लोग और, बस थोड़ा थोड़ा बात करना है. कोई? Yes sir. भाई बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, दो दो करके बात करते हैं ना. और दो आ जाइए, कोई भी आ जाओ. ठीक है, तो कोमल, कोमल विद कोमल एंड सागरिका, कोमल एंड सागरिका, कम ऑन. हालांकि सुन लो, अभी एक्चुअली ये स्पीकिंग नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में प्रैक्टिस करा रहा हूँ. तो मैं सर जी, यू फॉरगेट मी. आते हैं आते हैं. या कोमल, कम ऑन. डू यू गो टू टेम्पल? Yes, I go to temple. When do you go to temple? Good, good. I go to temple at 6 o'clock in the morning. With whom do you go to temple? I go to temple with my daughters. Okay. Why do you go to temple? Because I believe in God. I go to temple because I believe in God. Okay. Do you do worship? Yes, I do worship. At what time do you do worship? In the morning. At what time? After I come back from temple, I worship at my home. Okay, do you take exercise? Yes, I take exercise. Do you like tea? Yes, I like tea. And do you like green tea? No, I don't like green tea. ठीक है, बहुत अच्छा. Does your husband know how to make tea? Super यार कोमल. Yes, my husband know. अब यार know होगा या knows होगा? Knows, knows sir. My husband knows how to make tea. चलिए guys, अब हम WH family लगाते हैं. ठीक है, okay, fine. सर एक प्रश्न यहाँ से आ गया. सर वहाँ in the morning लगाए, in morning या फिर इन द मॉर्निंग ही होता है. फिक्स भी है, फिक्स्ड है, इन द मॉर्निंग होगा, द के साथ है. सर, डू यू डू वर्शिप और डू यू वर्शिप? डू यू वर्शिप बोल सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि वर्शिप एक नाउन भी है,
तो अगर ये नाउन है तो इंसान डू मतलब करना सोच के कई बार बोल देता है, डू मतलब करना भी होता है ना, तो लोग ऐसे बोल देते हैं डू यू डू वर्शिप, तो चलता है कुछ करना वर्शिप तो भाग। वर्शिप अपने आप में वर्ब है एक्चुअली, एक्चुअली दोनों है, जैसे लव है ना, लव वर्ब भी है नाउन भी है, तो चलता है। चलिए गाइस, सर प्रसाद क्या बोलते हैं सर, ऑफरिंग कहते हैं ऑफरिंग प्रसाद। और मन्ना सर, मन्ना 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 को पता नहीं जी, मन्ना ही कहते होंगे। ओके पता नहीं वाकई, आई डोंट नो व्हाट इज मन्ना, आई डोंट नो, फाइन। चलिए गाइस, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मान लो मैंने एक सवाल पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या वो तुमसे मिलती है, तो मैंने बोला डज शी मीट यू, जवाब आया हाँ जी मिलती है, यस शी मीट्स मी, मीट्स मी। अब मुझे डब्ल्यू एच लगाने, अब मुझे लगाना है कि अच्छा यार वो कब मिलती है, तो कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन। मैं क्या बोलूंगा, व्हेन डज शी मीट, अब मीट या मीट्स, यस व्हेन डज शी मीट यू, इसका मतलब है कि वो तुमसे कब मिलती है। अब मैं फिर कल वाली बात दोहराता हूँ, अगर आप स्मार्ट बनेंगे आप बोलेंगे अबे छोरो डज कौन लगाता है, आपने बोला व्हेन शी और इधर मीट्स कर दिया व्हेन शी मीट्स यू, तो आपको पता है ना इसका मतलब हो गया कि जब वह तुमसे मिलती है, जब मिलती है उससे। कितना फर्क है कब और जब का फर्क देख लीजिए। इस व्हेन के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सुमित ध्यान देना, सुमित सुमित सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। व्हेन के बाद अगर ये डू या डज आएगा तो कब है, और नहीं आएगा तो वो जब है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि वह खाना कब बनाती है, तो मैं कैसे बोलूंगा, व्हेन डज शी कुक। अब मुझे बोलना है यार जब वो खाना बनाती है ना भाई, जब वो खाना बनाती है, तो व्हेन शी कुक्स फूड। उसके बाद मैं आगे कुछ भी जोड़ दूं, या जब वो खाना बनाती है ना मैं खाता हूँ, मैं आगे जोड़ सकता हूँ ना, आई ईट व्हाटएवर मैं। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस व्हेन के बगल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है जब। ये क्लियर है, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिए, मैं बोलूं यार वो कहाँ रहती है भाई, तो होगा वेयर डज शी लिव। अगर मैं बोलूं हे वेयर शी लिव्स, तो इसका मतलब जहां वो रहती है। समझ में आ रहा है, तो कितना फर्क है। जैसे कि सवाल पूछेंगे तो डज लगाना ही लगाना है, डू लगाना ही लगाना है। सर लीव का मतलब क्या होता है सर, एल ई ए वी ई, रहना। लीव का मतलब है वो छोड़ना, जैसे कि आप नौकरी छोड़ देते हो या कुछ भी। ओके तो जहां वो रहती है वेयर शी लिव्स, यार बहुत शोर है यार, बंद कीजिए ना, दुखी कर देते हो, शोर बहुत। सत्यनारायण मैसेज आ रहा है कुछ, और आप लोग कैसे पढ़ोगे यार, ऑफ कीजिए। वेयर शी लिव्स, जहां वो रहती है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वांट टू, आई वांट टू गो देयर। इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वांट टू गो देयर वेयर शी लिव्स, इतना प्यारा है ना। तो इस वेयर का मतलब है जहां, ये कहां नहीं है, जहां। ठीक है जी, अब हम आते हैं व्हाट पर। व्हाट का मतलब होता है क्या? हाँ, क्या? हिंदी में, चलो हिंदी से क्या मतलब है, क्या इसका मतलब होता है कि अगर हम वो जानना चाहते हैं कि अगर तुम खाते हो तो क्या खाते हो, पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, तो मैं बोलूँ कि अच्छा एक बात बता यार, वो सुबह क्या खाती है, तो मैं बोलूँगा व्हाट डज शी ईट इन द मॉर्निंग। अब ध्यान देना, अगर आपने व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, आपने बोला व्हाट शी ईट्स इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है जो वो सुबह खाती है, जो वो सुबह खाती, जो वो खाती। लिख देता हूं मैं, अगर इस व्हाट के तुरंत बाद डू आ जाए, डज आ जाए, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो इसका मतलब होता है क्या, क्या। ठीक है, लेकिन इस व्हाट के बाद अगर डायरेक्ट आ जाए सब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है जो। हाईलाइट कर दूं,
इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप फुर्सत से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आपको नया मिलेगा कि यार ये क्या अद्भुत है यार। देखिए मैं बोलूँ कि यार वो क्या सोचती है यार, व्हाट डज शी थिंक। अब एक मिनट, व्हाट डज शी थिंक। अब मैं अगर यहाँ पर डज गलती से भूल जाऊं, मैं बोलूँ कि व्हाट शी थिंक्स, व्हाट शी थिंक, जो वो सोचती है, जो वो सोचती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा और जोड़ दूँ, जो वो सोचती है, आई नो मैं जानता हूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ आई नो व्हाट शी थिंक्स, आई नो व्हाट शी थिंक्स, अरे मैं जानता हूँ क्या सोचती है, यानी कि मैं जानता हूँ जो वो सोचती है। ये तो इतना फर्क होता है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब आप सवाल पूछेंगे तो डू या डज आपको लगाना है। जैसे वो बाजार क्या सर, व्हाट डज शी थिंक, इसका मतलब क्या क्या सोचती है, व्हाट डज शी थिंक का मतलब क्या सर, कौन सा होगा सर दोनों में से, इनमें से। कह तो दिया कि हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, और जो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है वो जो है, कह तो दिया, तो पहचान नहीं सर। ये व्हाट के अलावा ये जैसे ही लिखा हुआ है व्हाट शी थिंक, जो वो सोचती है, इसी सेंटेंस को बनाने का कोई और भी तरीका है कि व्हाट ना है। हाँ, विच आता है, आगे पढ़ेंगे, विच आता है। ओके, विच में भी आता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड ना है, ना आए, ऐसा कुछ है क्वेश्चन वर्ड, सोचती है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा फिर हमें दैट दैट लगाना पड़ेगा, फिर एक दैट का उपाय है, वो आगे हम अच्छा। देखेंगे कभी, दैट से हो सकता है, दैट सी हिज थिंक, लेकिन हम ऐसे बोल भी नहीं सकते हैं ना, उसके लिए हम ना रिलेटिव प्रोनाउन कभी पढ़ेंगे, मुश्किल है थोड़ा। ठीक ठीक, ओके सर। अब देखिए मैं बोलूं, अच्छा वो बाजार से क्या खरीदती है, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट डज शी परचेज फ्रॉम मार्केट। अब मान लो कि कोई डज लगाना भूल जाए, मैं बस ये बता रहा हूँ कि भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उसने बोला व्हाट शी परचेजेस फ्रॉम मार्केट, इसका मतलब हो गया कि जो जो वो बाजार से खरीदती 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 है। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट वांट टू नो व्हाट शी परचेजेस फ्रॉम मार्केट, यानी कि मैं नहीं जानना चाहता जो वो मार्केट से खरीदती है ना, रूटीन है। तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अभी मैं आपको सवाल पूछना सिखा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि डूडल्स पर ध्यान दीजिए। बोलिए भाई। सर ये मार्केट में सब्जी खरीदना कब तक सीख जाऊंगा? तेरी के अंग्रेजी भैया बहुत टाइम है ना सर, मजा आता है सर, मार्केट जाऊंगा इंग्लिश बोलूंगा ना मार्केट में, जब मैं खुद जाता हूँ मार्केट तो मुझे लगता है यार मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा सब्जी वाले से, गिव मी पोटैटो, कितना बुरा लगेगा। तो सबसे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते ना, टमाटर ही मारेगा सर नहीं। हाँ वो बोलेगा कि कोई नहीं साहब, कहेगा कि इतनी अंग्रेजी आती तो हम यही करते, वो ऐसा बोलेगा, वो पक्का बोलेगा सर, वो पैसे बढ़ा देगा पहली बार तो, देख के अंग्रेजी इनकी फॉरेन कंट्री में शायद ऐसा होता हो कि ठीक है, लेकिन वहाँ भी मैं कई मेरे फॉरेन स्टूडेंट्स वो भी कहते हैं कि वहाँ भी इंडियन स्टोर है, बहुत सारे इंडियन स्टोर है, लोग जाके हिंदी बोलते हैं। सर आपको देखा था सर मैंने, वो रेलवे स्टेशन पे आप सर एक खीरे वाला था सर। हाँ ये सर होता है, सुपरमार्केट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश वाले मिल जाते हैं। मैं आपको देखा हूँ ना खरीदते हुए, इसलिए पूछा हूँ, दूध खरीदने गए थे आप। अरे आजाद अगर ऐसे मार्केट में जाके बात करेगा तो प्राइस बढ़ा देंगे आजाद को देख के। तो मैं तो आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए कितना रिस्क लेता हूँ बाहर, मैं बताऊँ तो यहाँ पर मैं मार्केट जाता हूँ और कई लोगों से इंग्लिश में बात करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं समझ रहा, ये समझ रहा तो अंदर से गाली दे रहा हूँ। हाँ हम ये करेंगे रोल प्ले में, बिल्कुल रोल प्ले हम कराते हैं ना, कोई नौकर बनता है, कोई सब्जी वाला बनता है, कराते हैं। चलेगा, चलिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं गाइस। आपको पता है कि कल वाली वीडियो बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी है, यू नो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत से पढ़ें तो पसंद आएगा। चलिए तो एक वाई उठाते हैं, वाई का मतलब क्या होता है हिंदी में बोलते हैं क्यों, और वैसे वाई रीजन के लिए बात करते हैं, हमें कारण जानना होता है। दोनों लिखो सर, क्यों भी होगी, रीजन भी सर, क्यों भी लिख दूं। हां सर, ओके भाई। हेलो, अगर मैं बोलूं
कि यार वो तुझसे क्यों मिलती है, तो क्या होगा वाई ओके. अच्छा तो यहाँ पर हमने लगा दिया वाई डज शी मीट यू. अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वाई शी मीट यू, अभी क्यों का ज्यों तो नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये क्यों तो क्यों ही रहेगा, लेकिन हम ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे. अगर हम यहाँ पर ये हम कब बोलेंगे बिना हेल्पिंग वर्ब के, जब ऐसे बोलना हो कि यार मुझे नहीं पता यार वो तुझसे क्यों मिलती है, तो पता है क्या होगा, आई डोंट नो व्हाई शी मीट्स यू. ऐसे होगा, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को. अगर आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई यार ये बर्तन वर्तन बंद कराओ यार, क्या है अजय की मिजारी सर, अजय यार बहुत गलत, बंद करो ऑडियो बंद करो. अजय शादीशुदा है क्या अजय? सर विद फैमिली लिविंग है सर, यही कोना ढूंढता हूँ सर, वहाँ भी आवाज पहुंच ही जाती है. अच्छा इसमें तो ऐसा हो रहा हो कि अगर बच्चा आ जाए तो बच्चे को आंख भी दिखाते हो, चुप रहो क्लास चल रही हट, ऐसे भी होता है सर. दो दो बच्चे हैं सर, मार के ऊपर नीचे होता रहता हूँ मैं, इधर जाऊँ उधर जाऊँ कहाँ जाऊँ. आई कैन अंडरस्टैंड, तब भी लड़का मेहनत कर रहा है, बड़ी जल्दी शादी कर रहा है. कोई कुंवारा भी है इस बैच में? सब शादीशुदा है? नहीं सर, मैं सर भाई हूं ना सर, आई एम बैच कई है सर. ठीक है गाइस, और रहेंगे सर. अरे वाह, रहेंगे ओके फाइन गाइस. तो अब बताइए कि मैं बोलूं कि तुम चाय क्यों बनाते हो यार, सॉरी वह चाय क्यों बनाती, वह चाय क्यों बनाती, तो कैसे होगा व्हाई Why does she make tea? अब मुझे ऐसे बोलना है कि यार मुझे नहीं पता वो चाय क्यों बनाती, अब क्या हो जाएगा? I don't know why she makes tea. तो अब हम यहाँ पर does नहीं लगाएंगे. हम does तभी लगा सकते जब हमें सिर्फ सवाल पूछना हो, सिर्फ सवाल कि भाई वो क्यों बनाती है भाई, तो does लगाएंगे. इस तरह का अगर स्टेटमेंट देना हो कि मुझे नहीं पता, मैं जानना ही नहीं चाहता यार, तो उसमें हम why तो लगाएंगे लेकिन do does नहीं लगाएंगे. हम where लगाएंगे लेकिन do does नहीं होगा. हम when लगाएंगे लेकिन do does नहीं आएगा. ये है सीन. ओके चलिए, अगर मैं सवाल करूं कि वो खाना कैसे पकाती है, कैसे मतलब हाउ, अब मैं बोलूं कि मुझे नहीं पता वो कैसे पकाती, अब I don't know how she cooks food. अब डज नहीं लगेगा, how she cooks. यही तो मैं कब से सिखा रहा हूँ कि सिर्फ सवाल जब हम पूछेंगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी में हम डज लगाते हैं डब्ल्यू एच के बाद. ये जो हो गया आई डोंट नो या डू यू नो, उसमें डब्ल्यू एच दिखाई तो देगा लेकिन हम डू डज नहीं लगाएंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, ये बात है सर. यहाँ पे अगर ये सर ठीक है, थैंक यू, ये स्टाइल है. अगर मैं इसका नाम अभी बता दूँ ना, इसका नाम क्या है, तो पगला जाओगे. इसका नाम है नाउन क्लॉज. तो आप बताओ, मैं अभी बताऊँ ये नाउन क्लॉज, पागल हो जाओगे. मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपकी अंग्रेजी गलत नहीं होनी चाहिए. जैसे किसी ने बोला यार हाउ डज शी कुक फूड, तो कई बार होता है ना कि मुझे क्या पता यार कैसे बनाती, ऐसा होता है ना कई बार मन में आता है कि मुझे क्या पता कैसे बनाती है, तो मुझे क्या पता मतलब आई डोंट नो. उसके बाद आपने हाउ बोला, अब हाउ के बाद आपको डूडस नहीं लगा. जैसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, बताओ तो सर, अगर मैं एक सवाल पूछूं, मैं बोलूं यार ये अमन कहाँ रहता है यार, तो मैं कैसे बोलूंगा वेयर डज अमन लिव. अब आप में से कह रहे हो कि यार मुझे क्या पता अमन कहाँ रहता, तो अब क्या बोलूंगा, अब आप इस वेयर के बाद आप डूडस नहीं लगा सकते. यही मैं आपको समझा, पता हो तो सर. नहीं नहीं पता हो तब भी नहीं लगा सकते. मैं कह रहा हूँ कि जब सेंटेंस की शुरुआत WH से होगी ना और वो सवाल वाला फॉर्म होगा, आप डू डज लगाना. लेकिन अगर इस WH से पहले ये टुकड़े लग जाए, मैं टुकड़े जरा आपको लिख ही देता हूँ, कुछ टुकड़े लिख देता हूँ. इन टुकड़ों में एक तो आ जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ अमन कहाँ रहता है. जैसे आई नो आ जाए तो कैसे बोलोगे, आई नो वेयर अमन लिव्स. यहाँ इस वेयर के बाद डूडस नहीं लगेगा. तो ये
अगर आई नो की जगह ऐसे भी हो सकता है आई डोंट नो, ओके मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता वो क्या, वो क्या खाती है, तो कैसे होगा आई डोंट नो व्हाट शी ईट्स। हम इस व्हाट के बाद डूडल्स नहीं लगेंगे। एक एक बंदा ऑडियो ऑफ कर लो, अजय आप ऑडियो ऑफ करके रखो, आपको बोलना नहीं है, बस नॉर्मल सुनो अभी, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद अगर बच्चे छोटे हैं तो प्यार करना, थोड़े बड़े हैं तो समझ ही गए, ठीक है, ओके। अरे कोई नहीं, एक दो हमारे तरफ भेज दो यार। अच्छा आई डोंट नो हो गया। हम ऐसे भी कह सकते कि हे कैन यू प्लीज टेल मी, ऐसे भी कह सकते कैन यू प्लीज टेल मी, जैसे मैं बोलूं यार तू मुझे बताएगा अमन कहाँ रहता है, अब क्या होगा, कैन यू प्लीज टेल मी, टेल मी वेयर अमन लिव्स। सोचो सोचो, यहाँ डज नहीं है, डज नहीं है, डज तभी आएगा जब इतना होगा, वेयर डज अमन है। बोलो सर, एक क्वेश्चन मेरे था, व्हाट डू यू डू इन द अर्निंग, डू यू डू मनी, तो इसका आंसर कैसे आएगा सर? व्हाट डू यू डू इन द अर्निंग नहीं होगा, फॉर अर्निंग होगा ना, पैसे कमाने के लिए क्या करते हो? नहीं 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 नहीं, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। अच्छा मॉर्निंग को मॉर्निंग बोल रहा है, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को तो मॉर्निंग बोल रहे हो यार, व्हाट डू यू, मॉर्निंग बोल रहा हूं, मॉर्निंग बोल रहा हूं, कसम से मुझे मॉर्निंग सुनाई थी, अब लोगों को सुनाई दिया कि नहीं, अब मैं सुन लीजिए थोड़ा सा, अब इसका आंसर कैसे आएगा, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा लेकिन मैं इनका थोड़ा टोन सुधार दूं। इन्होंने अगर ये मॉर्निंग को मॉर्निंग बोल रहे हैं तो पक्का ये बॉल को बाल कहते होंगे, यस सर, पक्का ये परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस कहते होंगे, कार को कार, ये कॉल को काल कहते होंगे, क्या काल किया है, इट्स वेरी बैड इंग्लिश, वेरी बैड प्रोनाउंसिएशन, यू मत बोलिए। अच्छा इसका आंसर कैसे होगा कि व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह क्या करते हो। अब हर बंदा अपना जवाब देगा, कोई बोलेगा यार मैं सुबह पार्क जाता हूँ, कोई बोलेगा मैं सुबह पार्क जाता हूँ, तो कैसे बोलेगा, आई गो टू पार्क इन द मॉर्निंग। कोई बोलेगा जैसे कोई बोलेगा मैं तो सुबह सुबह किचन में चला जाता हूँ, तो क्या बोलेगा, आई गो इन टू द किचन इन द मॉर्निंग। कोई बोलेगा यार मैं सुबह सुबह बच्चे को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, तो आई नहीं उनका सवाल क्या था कि डू में आंसर क्या कह रहे थे, डू में आई गोट सर सेंटेंस लिखे ना सर वहाँ पे लिखे ना आई गोट ड्रॉप या आई ड्रॉप। अच्छा सॉरी सॉरी, या तो गो टू ड्रॉप कर दो या आई ड्रॉप कर दो, ये कह रहे थे, या तो बोला आई गो टू ड्रॉप माई चाइल्ड एट स्कूल या आई ड्रॉप माई चाइल्ड, या तो मैं ड्रॉप करने जाता हूँ या मैं ड्रॉप करता हूँ, तो आई ड्रॉप भी कर सकता, आई ड्रॉप माई चाइल्ड एट स्कूल, ठीक है, मिल गया आंसर। डू में आंसर नहीं दे सकते सर इसमें, जैसे डू में कैसे आंसर, मतलब क्या बोलना है, हिंदी बोलो ना, आंसर क्या सोच रहे, मन में क्या चल रहा है, कुछ सोचो, नहीं जैसे क्वेश्चन ये था व्हाट डू यू डू, मैं करता हूं इन द मॉर्निंग, तो जैसे आई डू इन द मॉर्निंग जिम या आई डू इन द मॉर्निंग योगा, ओके। अच्छा ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं मतलब आई मतलब मैं करता मतलब डू, ऐसा सोच रहे हैं, ये डू सूट कहाँ कहाँ करेगा, जैसे कि अगर बोले कि मैं काम करता हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ सूट तो कर जाए आई डू वर्क, क्योंकि डू मतलब करना, वर्क मतलब काम, यहाँ सूट करेगा, लेकिन आजकल ना लोग ऐसे भी नहीं बोलते, वो सीधा बोलेगा आई वर्क इन द मॉर्निंग, समझ में आ रहा है, आई वर्क डू हाँ, एक्चुअली डू का मतलब काम, डू का मतलब करना होता है, लेकिन अगर मैं डू के बगल में वर्क लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि डू मतलब करना और वर्क मतलब काम, मैं काम करता हूँ आई डू वर्क, लेकिन वर्क का मतलब काम करना भी होता है, आप जानते हैं ना, वर्क में काम और करना भी उसी में है, तो हम अलग से करने की दवाई क्यों खाएं जब करना वर्क में ही है, जैसे कि एक वर्ड है वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा भी होता है और पूजा करना भी होता है, तो अब जिनको ये करना नहीं पता वो करना के लिए अलग से डू ले आते हैं, वो कहते हैं आई मैं करना मतलब डू, पूजा मतलब वर्शिप, आई डू वर्शिप, ठीक है मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन आज के जमाने में आपको क्या, कोई क्या बोलेगा, आई वर्शिप, वर्शिप में पूजा के साथ करना भी आ गया, आई वर्शिप, ठीक है सर, आई गो टू किचन और आई गो इनटू किचन, आई गो टू किचन बोलने से ना ना रॉन्ग नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि ये किचन है और यहाँ पर आप हैं, तो आप जब इसे वॉक करके एंट्री लेंगे ना, तो जब हम कहीं जाते हैं और
प्रवेश करते हैं किसी चीज में, किचन मान लो एक डब्बा जैसा हो गया ना, किचन है उसके अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं, तो घुसने के लिए हमें इंटू लगाना होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ओके, अब इस ग्लास के अंदर अगर आप पानी डाल देंगे तो अब ये पानी बाहर से अंदर की तरफ गया ना ग्लास में, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि कल मैंने ग्लास में पानी डाला, तो आप कैसे बोलेंगे? आई पानी डाले तो कहते हैं, तो आई पोर्ड वाटर, आई पोर्ड वाटर इनटू द ग्लास, तो इनटू का मतलब है कि पानी पहले ग्लास में नहीं था, बाहर से वो ग्लास के अंदर गया, तो कोई का मोशन में अगर कहीं हो इनटू लगाते, तो आप कहीं और थे किचन में घुसे तो इनटू लगाइए, और नहीं लगाते तो कौन काट रहा है, मतलब मैं करेक्ट बता रहा था, लगा सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलिए गाइस, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, मैं गाइस जब आपको पढ़ाता हूँ ना तो मैं खो जाता हूँ, मैं टाइम पे ध्यान नहीं देता, बट कैसे कैसे खत्म हो जाता है घंटे देखिए, और वही कोई कोई क्लास इतनी इतनी बोरिंग होती है कि लगता है कब खत्म होगी, काहे पका रहा है, कब खत्म होगा। फाइन गाइस, चलिए गाइस मैं आपको बता दूँ हम कल क्या करने वाले हैं, कल का जरा टारगेट बता दूँ, कल हम काम करेंगे वांट पर, आप मुझे याद दिला देना जरा, याद दिला दोगे ना? ओके, वांट पे, यस सर, स्टार्ट पे, ओके, कीप पर, वांट, स्टार्ट और कीप, इस पर हमें काम करना है। ये काम करने के बाद दूसरा हमारा काम रह जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे वो सुना होगा ना, हे डोंट यू लव मी, सुना होगा ये वाला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस दो आइटम पे हम कल काम करेंगे। और कल काम करने के बाद अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिश्ड हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे? स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, और वो तब तक करेंगे जब तक आप में मुझे फर्क ना दिखे। अगर मुझे लगा नहीं यार इसका एस गायब है, ई एस नहीं लग रहा है, ये डोंट की जगह एम नॉट कह रहा है, तो आप जब तक आप मुसीबत में रहेंगे। क्लियर है जी? डब्ल्यू एच तो हम रिपीट करते रहेंगे ना, डब्ल्यू एच में जो जो है आप एक एक करके अगर मैं गिनवाऊंगा तो दो दो घंटे रोज खत्म होंगे। आप कर अपना डब्ल्यू एच उठा लेना, जैसे किसी को हाउ ऑफेंस समझ में नहीं आया, किसी को हाउ मच हाउ मेनी नहीं आया, तो बताना, मैं ऑन द स्पॉट बता दूंगा, छोटा मोटा तो क्लियर ही। ठीक है जी, तो कल आप ये टारगेट बता देना मुझे, ठीक है? तो अब जाते जाते ये बताइए कि मुझे नहीं पता, कोई एक बताना, किसे पूछे मान लो कोई भी, प्रेम से, ठीक है? आई डोंट नो सर। ओके चलो, प्रेम नए लड़कों से पूछते, प्रेम पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, रुक जाओ यार ब्रजेश, पूरा सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, बताओ प्रेम। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, प्रेम आपकी आवाज महिलाओं महिलाओं जैसे हो गई प्रेम। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स सर, कोई अनदर पर्सन स्पीक में, अच्छा अनदर सर, आई डोंट नो वेयर डस, ओके फाइन, वुमन वेयर शी लिव्स, ओके। अच्छा अगर ऐसे बोल रहे हैं, अभी मैं प्रेम के पास आ रहा हूँ, इतना प्यारा नाम है प्रेम, कल इतना ये प्रेम कर रहे थे कि आवाज रिपीट हो रही थी। ओके तो सवाल है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चिंटू क्या खाता है सुबह सुबह, कैसे होगा? सोचो सोचो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? What do you गलत है, do you inform me, do you inform me, बता सकते हो, कैसे होगा ना, कैसे हाँ जी, what चिंटू eats in the morning, और सिर्फ इतना बोलना हो कि अच्छा यार चिंटू क्या खाता है भाई, तो व्हाट डज, व्हाट डज चिंटू ईट, यस यस यस, फाइन गाइस, चलिए गाइस बाहर भी बहुत शोर हो रहा है, टाइम भी हो गया है, गुड इवनिंग सर, तो टेक केयर गाइस, मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी सर। हेलो सर, बोलो सर, माइक कौन सा यूज करते हो सर आप? ये हेडफोन, ठीक है अभी मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा, बट मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। ओके सर, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा ना अभी, नहीं अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं कंपनी का क्यों नाम लूं भाई, सर मैंने टैक्स किया था आपको पर आपने बताया नहीं था ना, मैं देख लूंगा मैसेज चेक कर लूंगा, ठीक है? तो सुमित आप ना जापानीज गाय, आप इस बैच में ही रहो, ठीक है? ओके सर, दिस इज कूल बैच, और कल बस थोड़ा सा उसके बाद सीधा स्पीकिंग होगा, एकदम ऐसा स्पीकिंग होगा कि
आप रोगे कैसे हो, जैसे हाउ आर यू होता है ना, बहुत पुराना है ये, पहले चलता था हाउ डू यू डू, मतलब हिंदी निकालोगे ना तो ऐसा होगा कैसे करते हो, इसकी हिंदी ऐसी लग रही है ना, हाउ डू यू डू कैसे करते हो, बट अंग्रेजों का पुराना वर्जन है कि हाउ आर यू की जगह बोलते थे हाउ डू यू डू, अब नहीं चलता यार, खत्म हो गया। ओके गाइस चले, ओके सर, ओके थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर, बाय गाइस, बाय।